नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ एमएस परदेसी। बिहार में शराब का बहार। अब आप कहेंगे कि बिहार में तो शराब बंदी है, लेकिन ये बड़ा बड़ा खेप आ कहां से रहा है? सुनिए सुशासन बाबू, यहां तो अब लोगों के मुंह से लार भी टपकने लगा। वो इसलिए कि इतना ना शराब पकड़ा रहा है कि आपका प्रशासन देख के दंग हो रहा है। खास करके बिहार की जनता को ऐसा लग रहा है कि अब फिर से शराब का बहार आ गया हो। मामला सुपौल जिला के पुर थाना क्षेत्र दौलतपुर कुशवाहा राइस मिल में लगी वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब, बोले तो अंग्रेजी शराब की बहुत बड़ा खेप बरामदगी किया गया। अब देखना होगा कि एएसपी रामानंद कौशल एवं राघोपुर एसएचओ रजनीश केसरी के तत्परता यानी सूझबूझ से प्रकाश रंजन यादव और विकास यादव को धर दबोचा गया। अब देखने वाली बात यह है कि 1852 लीटर शराब पकड़ा गया है, जबकि जब्ती में एक कार्गो ट्रक, एक कार, दो मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया गया है। जी, सुशासन बाबू के सरकार में इस तरीके का कई खेप पकड़ा गया, जैसे बनमन की पूर्णिया और भी कई दिगर इलाके में शराबों का खेप मानो जैसे पानी बिक रहा हो, लेकिन सरकार शराबबंदी में लगे हुए हैं। ये सारा खेल कैसे हो रही है ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे विदेशी शराब, बोले तो अंग्रेजी शराब कहाँ से आ रही है। इस पे कमान कसना चाहिए। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेश और सुनते हैं एएसपी रामानंद कौशल जी से क्या कह रहे हैं। ये है कि माल कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जाने वाला है, तो इस गिरफ्तारी से और बरामदगी से एक नेटवर्क का खुलासा होगा और निश्चित रूप से हम लोग शराबबंदी अभियान को सफल बना देंगे। कहीं कहीं राइस मिल में चार शराब का कारोबार, यह तो अनुसंधान का विषय है कि कितनी दूर तक राइस मिल की कार्यवाहियों की संलिप्तता है, यह पहली बार था या एक आदतन इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं, यह एक अनुसंधान के बाद भी बता देंगे। नया खबर के लिए आप देखते रहिए आवाज़ आपका। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।